अब मैं वो शॉप ढूंढ रही हूँ जिसके पास ये है, और ये शॉप मुझे मिल गई है। डिसेंट खाड़ी के कपड़े पे काम हुए है, और मैं इस काम को आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखो बहुत बारीक काम है, देखो बहुत बारीक, लिटरली बहुत बारीक। क्या बारी देते हैं, एक पीस भी मिल जाएगा आपको। हैदराबाद साइमा मॉल, पारी मॉल, साइमा पारी मॉल, मदनी मॉल हैदरी के अंदर, मिलेनियम मॉल, वहाँ जो मिलता है आइटम, जो एट्रियम मॉल, वहाँ से आपको 20-30% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। इस दफा तीन चीजें फैशन में जो मैंने अभी तक अपनी शॉपिंग में देखा, एक ये कुर्ता स्टाइल बहुत फैशन में, और नीचे कटवर्क बना हुआ है, बिल्कुल कटवर्क बहुत ठीक है, और इसमें पर्पल कलर बहुत इन है। इसके अंदर ही कटवर्क का काम है, और ये कटवर्क का काम भाई, भाई ने बहुत सारे जोड़े निकाल दिए हैं। इस मैक्सी की बात कर रहे हैं, फ्रॉक स्टाइल है, आजकल लॉन्ग लेंथ ज्यादा चल रहा है, 40-42। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस विद फहीम के साथ मैं हूं सुमैया खुर्शीद, और मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूं, और ये है सदर की मदीना सेंटर मार्केट। अब मैं वो शॉप ढूंढ रही हूं जिसके पास ये है, और ये शॉप मुझे मिल गई है। आपका नाम? मेरा नाम कुमार। कुमार साहब, आप मुझे बताएं, आपकी मुझे होलसेल की शॉप लग रही है, क्या आप एक भी पीस दे देते हैं? हम दे देते हैं, एक पीस भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो ये वो ट्राउजर्स हैं जो बहादराबाद वगैरह पे जाते हैं, साइमा मॉल, पारी मॉल, साइमा पारी मॉल, मदनी मॉल हैदरी के अंदर, मिलेनियम मॉल, वहाँ जो मिलता है आइटम, जो एट्रियम मॉल में वही चीज हमारे पास होती है। सही, तो वहाँ से कितना प्राइस डिफरेंस है? वहाँ से आपको 20-30% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे अगर ट्राउजर 1000-1200 का है तो वहाँ यहाँ आपको 700-800 के अंदर अंदर। कपड़ा कौन सा है? सब सारा कॉटन होता है हमारे पास, कॉटन। क्या आप कुछ नए डिजाइन दिखाएंगे इस ईद पे, किस किस्म के ट्राउजर आए? बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आई हुई है, और ये भी दिखाइएगा कपड़ा कैसे, और ये भी दिखाइएगा कि आप लोग ट्राउजर के फेर कैसे हैं, क्योंकि ट्राउजर्स में ये बहुत मसला आता है। ट्राउजर्स के अंदर एक तो जो रेगुलर साइज होते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक्सेल साइज भी अवेलेबल है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ट्राउजर्स, ये डिजाइन देखें, ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है हमारी, जो कि आज ही हमारी जो ना हमने उतारी है। सही, बहुत डिसेंट है, और चले मैं इसे कपड़ा टच करके देखती हूँ, कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल। अब इसको खोल के जरा इसकी आप दिखाएं कि इसका कितना फेयर है। ये रेगुलर साइज है बिल्कुल। ट्राउजर जब भी लें गाइस, तो याद रखें कि ट्राउजर को खोल के इसकी जो ये वाली साइड होती है, इस साइड को जरूर देखें कि इसका कितना जो है ये साइड, ये आप पहनेंगे तो कहीं पहन के फट तो नहीं जाएगा। मोस्टली शॉप से बड़े सस्ते ट्राउजर्स मिल रहे होते हैं, और हम खरीद लेते हैं कि यार 500 रुपए का है, लेकिन वो क्या होता है कि उसके कपड़ा वन टाइम में वॉश होके खत्म हो जाता है, और वो पहनते ही फट भी जाते हैं, क्योंकि उनकी स्टिचिंग जो होती है फेर नहीं होता, नॉर्मल जो है ना वो चीजें उन्होंने यूज नहीं की होती। सही। अच्छा, मुझे भी एक ट्राउजर खरीदना है, वाओ ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना जबरदस्त इसकी, ये कितने तक का है? ये आपको आपके व्यूअर्स को मिल जाएगा 850 का होलसेल प्राइस में, और इसी के अंदर बेल बॉटम भी आपको अवेलेबल मिलेगा, सेम डिजाइन जबरदस्त। अच्छा, मुझे जो चाहिए वो चाहिए जैसे कि वो होता है ना एक क्रिस्ट लाइट पर्ल व्हाइट कलर होता है वो, इसमें हमारे पास 5 कलर्स अवेलेबल है, व्हाइट, ब्लैक, ऑफ व्हाइट, और एक तो आप लोग अगर अच्छे ट्राउजर्स खरीदने हैं तो आप लोग जो है इनकी शॉप पर आए। मुकेश कुमार नाम बताया था, कुमार नाम बताया था। बेल बॉटम, यस ये उसी डिजाइन का बेल बॉटम है, और ये बड़ी अच्छी सी फाइन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत फाइन। मैं इसको टच कर रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है, और इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है। मैं आपको ये पीछे से दिखाऊं, बहुत फाइन स्टिचिंग हुई हुई है इन लोगों की। ये बिल्कुल ठीक कहना है कि इनका माल जो है वो पारी और डॉलमेन वगैरह में जाता होगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बता रही है। और ये शॉप नंबर क्या है आपकी? ये शॉप नंबर 4748 मदीना सेंटर, अपोजिट एट्रियम मॉल। अच्छा, कुछ अगर मुझे ये बताइए मदीना सेंटर कितना पुराना है? मदीना सेंटर ये 25-28 इयर्स ओल्ड होगा, और लास्ट 15 साल से तो हम ये काम कर रहे हैं। जबरदस्त। और मजे की बात ये, इस शॉप पे आपके आपके ट्राउजर के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर डिजाइन का, हर नाप का और हर कलर का ट्राउजर मौजूद है। आप इधर उधर ख्वारी ना खाएं और यहाँ पर आए। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पास कितना सारा माल मौजूद है, और अभी मैं साथ साथ अपने कपड़ों की भी मैचिंग ढूंढ रही हूँ, और साथ साथ आप लोगों को भी शॉपिंग करा रही हूँ, क्योंकि ईद आ रही है। आप सब बहुत परेशान होंगे कि कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें। ये थोड़े से मुझे ज्यादा फैंसी टाइप के लग रहे हैं। बच्चों अच्छा, ये बच्चों की वैरायटी है, और वो मुझे आप बड़ों की वैरायटी दिखा रहे थे। ओके ओके ओके।
ये भी एक शॉप है, अंदर जाकर देखते हैं। हेलो, ये बिल्कुल उसी तरीके की शॉप है जो पीछे हम कवर करके आए हैं। अब हम सामने चलते हैं। ये ड्रेस जो है ये आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा, तो देखते हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनके पास वैरायटी है। और बड़ी बड़ी दुकानें और यहाँ पर जो है वो खवातीन आके परचेज कर रही हैं, खरीद रही हैं। यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल चीजें भी हैं। ट्राउजर्स कैसे दे रहे हैं ये वाले आप? हजार का, 1000 रुपए की ट्राउजर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने जो आपको पीछे वाली शॉप के ट्राउजर्स दिखाए थे वो कितने भीतर थे। आपकी भी ट्राउजर्स की शॉप है, स्टॉल्स भी है आपके पास? अंदर के ट्राउजर्स दिखाएंगे आप? ये देखें, ये सब पैक हैं। और ये यहाँ पे कुछ वैरायटी लगी हुई ट्राउजर्स की। इनका कपड़ा चेक करते हैं। नहीं, कपड़ा बस सही है, सो सो। और नहीं, कितने के ट्राउजर्स हैं ये? कितने के ट्राउजर्स हैं ये सारे? 600 के ट्राउजर्स ये हैं। बट लिटरली के इसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं बाहर निकल गई हूँ। अब मैं आपको और दिखाती हूँ। वाओ, ये एक और आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक और बहुत जबरदस्त की शॉप पर आ गई हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवाहरलाल है। कौन सा? जवाहरलाल। जवाहरलाल, अच्छा, यहाँ पर मोस्टली जो है हिंदुओं की शॉप से है ना? जी, यहाँ पर जो है वो हमारे हिंदू भाइयों की शॉप से है और वो कारोबार कर रहे हैं और सालों से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। ये मार्केट कोई 30-35 साल पुरानी मार्केट है और यहाँ पे ये कारोबारी हजरात भी कोई 30-35 साल से काम कर रहे हैं। मैं आपको इनकी शॉप की वैरायटी दिखाऊंगी। मुझे जो चीज इनकी शॉप पे बहुत पसंद है, सबसे पहले हम जूते उतारेंगे। मैं आपको एक बार बताऊँ, लोग जूते समेत इनकी शॉप में चले जाते हैं। ये लोग जूते समेत जाने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जूते उतार के जाएं। और मैं आपको कुछ वैरायटीज दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये आपको स्टॉल की वैरायटी दिखाऊंगी कि ये स्टॉल की वैरायटी बहुत आजकल चल रही है। और इसमें अच्छी बात पता है क्या है? ये आयरन फ्री है, इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और साथ साथ मैं अपने लिए स्टॉल ढूंढती जाऊंगी। और यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स हैं, प्रिंकल सिल्क है, ये सिल्क के स्टॉल्स हैं और ये जॉर्जेट के स्टॉल्स हैं। मगर मैं आपको जो इनकी शॉप की वैरायटी दिखाने वाली हूँ ना, वो बेसिकली है इनके कपड़े। चले हम आपको ये स्टॉल्स भी दिखा देते हैं, यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है स्टॉल्स की। और ये वाला जो पीस है ये मेरी शर्ट के साथ फिर भी जा सकता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ न्यू। इस स्टॉल्स में कुछ न्यू आइटम्स नहीं आए? नहीं आए सारे। कौन से? सिल्क में है, जॉर्जेट में है, स्प्रिंकल सिल्क में है। अच्छा, मुझे जो एक सूट बहुत पसंद आया था वो है ये ब्लू वाला। इसका काम और इसका ये और इसका कपड़ा जो है वो सूती है, होती है कॉटन में बिल्कुल। ये जो, अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये जो काम होता है ये एक्सपेंसिव होता है। और अक्सर हम कहते हैं कि यार ये जोड़ा इतना महंगा क्यों, तो ये बेसिकली कटवर्क का काम है और ये कटवर्क का काम महंगा ही होता है। और ये बहुत अच्छी लोन पे काम हुए हुआ है और कस्टमर्स भी आ रहे हैं। सीक्वेंस जरी वाला काम है और ये सीक्वेंस जरी का काम है। ईद की न्यू कलेक्शन है ये, इसके बाद मजीद कलेक्शन आनी है, आनी कलेक्शन आती रहती है। वाओ, और लिटरली मैं आपको बताऊं कि इनके कपड़े की वैरायटी बहुत अच्छी है दूसरी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो होलसेल मार्केट्स होती है उसमें एक जैसे आपको सूट नजर आएंगे लेकिन कपड़ों की वैरायटी में फर्क होता है। ये वाला ड्रेस जो है मैंने और भी शॉप पे देखा है, लेकिन इनका कपड़ा जो है वो ज्यादा अच्छा है, फ्रंट पे काम बना हुआ है, तो ये ईद पे आप आराम से पहन सकते हैं। अच्छा, साथ साथ कुछ प्राइसेस भी बता दें। प्राइसेस हमारी मुनासिब होती है, ये कटोर का काम है, हैंडवर्क का, गले का काम है, इसके बैग भी काम है जबरदस्त। ये मैं आपको दिखाऊंगी कितना डिसेंट खादी के कपड़े पे काम हुए हुए। और मैं इस काम को आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखो, बहुत बारीक काम है, देखो बहुत बारीक, लिटरली बहुत बारीक। क्या इस सूट में थोड़ा सा डार्क कलर मिलेगा? कलर लाइट आते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि खादी के कलर लाइट होते हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कितना डिसेंट है, आप जुम्मतुल विदा पे पहन सकते हैं। और जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो गुड फ्राइडे उनका आने वाला है, वो उस पे पहन सकते हैं। ये भी कटवर्क का काम है। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तीन कैटेगरी है। ये जीन्स पे अगर कुर्ती पहनी जाए, वाओ, सूट भी है कुर्ती भी है दोनों बिल्कुल। ये इसका काम देखें आप कितना हसीन बना हुआ है। ये मैं आपको उस मार्केट में ले आई हूँ कि आप इस मार्केट में आ जाए ना और आप खाली हाथ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ इतनी वैरायटी है।
और मुझे भाई ये ड्रेस भी बहुत पसंद आया है, गर्मियों के हिसाब से ठंडा है, लाइट कलर है। और ये ड्रेस देखे जबरदस्त पहनेंगे तो आप जचेंगे, खिलेंगे, सब में अलग लगेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब ये डिफरेंट वैरायटी हैंडवर्क का काम है, इसमें कलर है, इसमें दो तीन कलर है, इसमें एक ये डिजाइन होता है। अब हम बैठ जाते हैं और सुकून से बैठ के ड्रेसेस देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये कलर बहुत प्यारा है, इसमें दो तीन कलर होते हैं, इसमें अगर कलर में चाहिए तो कलर में भी है। साथ साथ थोड़े से प्राइसेस भी बता दें आपके पास, कम से कम जोड़ा कितने प्राइस का है? कम से कम हमारे पास 2000 का है, बाकी ज्यादा से ज्यादा 35 तक है। ये सारे कलर है कटवर्क में। मेरे भाई ने बहुत सारे जोड़े निकाल दिए हैं और इसमें आपको ये जोड़े सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाले जा रहे हैं। ये देखिए फ्रॉक स्टाइल है। अच्छा, ये वाला शेड भी इस दफा बहुत ज्यादा फैशन में है। ये शेड, हम इस शेड को क्या कहेंगे, मस्टर्ड, धानी, 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 यस, धानी, और ये मस्टर्ड कलर कुछ मिक्स है और ये फ्रॉक स्टाइल है। इस बार जो है फ्रॉक स्टाइल और ये जो साइड नीचे से कट वर्क है ना, ये वाला इस दफा फैशन में है। जैसे ये मेहरून वाला आप देखें और ये ब्लू कलर वाला है। इसकी पॉकेट्स बनी हुई हैं, ऊपर से बैक पे भी काम है, डिजाइनिंग कपड़ा वगैरह, फैब्रिक अच्छा है। पॉकेट्स वाला तो बहुत अच्छा होता है, मोबाइल रखने के काम आता है। इस ब्लू में और शेड्स हैं, इसमें चार कलर है, मेहरून है, पिंक है, कि दूसरा कलर है, ये कलर होंगे इसमें। ऐसे पॉकेट वाले और नहीं आपके पास? पॉकेट वाले बहुत हैं। एक धानी कलर है। अच्छा, वो जो सामने आपको पीच कलर नजर आ रहा है वो भी बहुत प्यारा सूट है, ये वाला। ये भी कटवर्क है, कटवर्क इस बार फैशन में, चिकन भी है और कटवर्क भी है, दोनों चिकन भी है प्लस कटवर्क भी है फैशन में इस दफा। ये टील कलर है, ये भी डिजाइन प्यारा है। ये कलर तो बहुत हसीन निकाला आपने, ये तो अलग कलर है इस बार। इसमें पॉकेट है, कलर भी नया आया है, पॉकेट नहीं है लेकिन कटवर्क है, बारीक पर फैंसी लुक भी है। हाँ, ईद के हिसाब से बेस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पे कोई ऐसी शॉप है जिस पर बहुत सारी स्टॉल्स हो, वैरायटी? हाँ, स्टॉल तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टॉल्स हैं, पीछे स्टॉल लगे हुए शाले भी होते हैं हमारे पास पश्मीने में। पीछे कहाँ? ये इसके पीछे ही देखो, सारे शाले हैं, स्टॉल बहुत वैरायटी होती है हमारे। मुझे लेटेस्ट स्टाइल की कुछ चाहिए, कुछ नया समथिंग। ये सिल्क है, जॉर्जेट है, लॉन्ग, वो एक क्रश क्रश वाला भी आजकल फैशन में चल रहा है, क्रश है, सिल्क भी है, एक ये ब्रांड वाला चल रहा है सिल्क में। नहीं, ये नहीं चाहिए, क्रश वाली स्टॉल चल रही है आजकल। इस तरह की क्रश में नहीं, इस करीब करीब वाली क्रश टाइप की क्रश नहीं, बाकी ये दूसरे डिजाइन है भाई बहुत। एट्रियम मॉल के सामने है मदीना सेंटर, उसके सामने 60 नंबर शॉप है हमारी। यहाँ पे स्टॉलर मिलेंगे, शाले मिलेंगी, बेड शीटें, अजरक, ये कार्ड है हमारा। सही, ये इनकी शॉप जो है, इनकी शॉप पे वाकई बहुत जबरदस्त वैरायटी, ऑनलाइन पे मंगवा सकते हैं और ये ऑनलाइन की फैसिलिटीज भी देते हैं। और ये मेरी नजर पड़ी है कितनी जबरदस्त ड्रेस पे इनके पास, वाकई में मैं लिटरली आपको बताऊं, इनके पास बहुत अच्छा ड्रेसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके पास कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं करती। इससे पहले वाली शॉप पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक शॉप पे बहुत अच्छे ट्राउजर्स थे और एक शॉप पे बिल्कुल भी अच्छे ट्राउजर्स नहीं थे। इनको कह देते हैं अल्लाह हाफिज और हम किसी और दूसरी शॉप पर चलते हैं। इनके पास बेड शीट्स भी हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए जोड़े हैं, ये इस तरह जो जोड़े रखे हुए हैं ना, ये सेल लगी हुई है, 1200 का टू पीस। और यहाँ पर भी है, आपके पास कुछ स्टॉल्स वगैरह है? स्टॉल्स आपके पास कुछ वैरायटी है स्टॉल्स की? प्लेन है कुछ? अच्छा, इनके पास भी सूट बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये वो मार्केट है जहाँ पर 12 महीने आपको शॉले मिलेंगी। अगर आपको शॉले खरीदनी है, गिफ्ट में देनी है, तो आप परेशान ना हो, मदीना सेंटर आ जाएं, यहाँ पर हर वैरायटी की शॉल आपको मिलेगी। और इनके पास भी ड्रेसेस हैं अच्छे अच्छे मगर आगे चलते हैं। ये पर्पल रंग की कुर्ती है, क्या है सूट कितने का ये वाला?
यहाँ पर बच्चों की भी कुछ वैरायटी है, लेकिन आपको बच्चों की वैरायटी किसी और व्लॉग में दिखाएंगे। और जूतों की भी वैरायटी है, किसी दिन मैं आपको जूतों की ऐसी मार्केट में लेके जाऊंगी कि आप जूते देख के हैरान रह जाएंगे। घुमा दो चलते हैं, एक और शॉप मुझे नजर आई है। वाओ, ये कितना अच्छा, ये वाला शेड भी इस दफा बहुत फैशन में है। आपके पास स्ट्रॉल्स की वैरायटी है, स्ट्रॉल्स की वैरायटी। इनके पास ये शॉप पे स्ट्रॉल्स की वैरायटी है, लेकिन अच्छे स्ट्रॉल्स हैं, मतलब वही कॉमन स्ट्रॉल्स हैं। और जिस तरह की मैं कुछ डिफरेंट चाह रही हूँ, इस तरह की नहीं मुझे मिल रही। उफ, ये एक और शॉप है और इस पे ये बाहर, अच्छा जिससे मैं आपको बताऊँ, ये जो बाहर इस तरह हैंगर पे ड्रेसेस होते हैं ना, ये कुछ कम पैसों में होते हैं, मतलब इनकी वैरायटी में थोड़ा सा इस तरह होता है, तो इस तरह भी आप चीजें देख सकते हैं। आपके पास ईद का कोई नया कलेक्शन आया हुआ है? इनके पास ज्यादातर टू पीस ड्रेसेस है, और इनकी ये शर्ट, ये फ्रॉक बहुत प्यारी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल ये स्टाइल भी बहुत इन है फ्रॉक्स के साथ साथ। इस दफा ईद पे आप तो माल खरीद के ला रहे होंगे, इसको लगाएं। हमारा होलसेल का काम है, आपका होलसेल का काम तो है, लेकिन आप क्या बताएंगे कि इस दफा ईद पे कैसी वैरायटी आ रही है? सारी फैंसी वैरायटी आती है, ईद पे चलती ज्यादातर फैंसी है। फैंसी तो है, मतलब कमीज सलवार है, ट्रेडिशनल है, फ्रॉक है, शॉर्ट ट्रेडिशनल भी चल रही है और मैक्सीज भी चल रही है आजकल। ये जैसे शेफून पे पहले इस तरह की मैक्सीज आती थी जिसपे फाइल वर्क का काम हुआ है, अब ये कॉटन पे भी आई है। बिल्कुल, आप इस मैक्सी की बात कर रहे हैं? जी जी, ये फ्रॉक स्टाइल है, आजकल लॉन्ग लेंथ ज्यादा चल रहा है, 40, 42, 48, 52। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ना, ये वाला स्टाइल भी बहुत चल रहा है। बिल्कुल, ये वाला स्टाइल भी बहुत चल रहा है। ईद के फर्स्ट डे आप ये वाला स्टाइल पहने और सेकंड डे ये वाला स्टाइल पहने। और इनके प्राइस क्या है इस वाले के? ये 1500 का है। ये 1500 का टू पीस, ये तो आप बहुत रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। होलसेल का काम है ना हमारा, आप वन पीस दे देते हैं? बिल्कुल दे देते हैं, ये दुकानदार हमसे लेके जाते हैं। शॉप का नंबर हमारा है G62 मदीना सेंटर, जेके कलेक्शन के नाम से। लिबास भी हमारा है, जेके कलेक्शन भी हमारा, जेके कलेक्शन। अरे जेके कलेक्शन के तो बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं, मैंने पहने हुए और लिबास के भी पहने हुए। ये दोनों हमारे अपने होते हैं, ये आपके शायद मिलेनियम में भी होती है, हमारे वहाँ पे माल जाते हैं। होलसेलर है ये सारे, मैंने मिलेनियम से लिबास के ड्रेसेस लिए हैं और जेके कलेक्शन के भी लिए हैं, शर्मा मॉल में, एक्टर मॉल में। बिल्कुल, और बहुत अच्छे होते हैं, हमारी फिनिशिंग वगैरह हर बहुत। वाओ, इनका ये ड्रेस आप जैसे देख सकते हैं, ये इसकी जेके की है ये, और ये कितना अच्छा जो इसका गला बना हुआ है। और ये अच्छा, मैं आपको भी बना हुआ एक और चीज बताऊं, इस दफा तीन चीजें फैशन में जो मैंने अभी तक अपनी शॉपिंग में देखा, एक ये कुर्ता स्टाइल बहुत फैशन में और नीचे कटवर्क बना हुआ है, बिल्कुल कटवर्क बहुत, ठीक है, और इसमें पर्पल कलर बहुत इन है। इसके अलावा एक ये फ्रॉक बहुत इन है और एक वो शॉर्ट शर्ट बहुत इन। ये तीन स्टाइल जो है इस दफा ईद पर जो है, एम्ब्रॉयडरी भी चल रही है, वो हमारे पास अभी खत्म हो चुकी है, वरना वो भी बहुत। क्या प्राइस है ड्रेस के? ये 2200 रुपए का टू पीस है, 2200 रुपए का टू पीस है, और बैक भी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, और इसकी बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी है, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, इसकी बैक पे भी आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी है। वाकई मुझे ये तो यहाँ से भी सीधा लग रहा है। तो फिर अगले व्लॉग तक मुझे तो मैया खुर्शीद को फोकस हुसैन के साथ इजाजत दें। अगले किसी व्लॉग में मैं आपको कोई और सी मार्केट का विजिट कराऊंगी और दिखाऊंगी इस बार ईद पे क्या फैशन में, क्या पे, कहाँ पे क्या चीज अच्छी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। और देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़।